वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा, उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किसानों को देना होगा। ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बराबर याद, मैं गुजरात में था, मैंने वहां जो शुगर फैक्ट्रीज थी उनको बड़ा दबाव डाला था कि आप के यहां जो गन्ना के किसान हैं उनको समझाइए कि वो स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से गन्ने की खेती करें। गन्ना किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से गन्ना पक सकता है, मानने को तैयार नहीं था। हमने कंपलसरी किया उसी का गन्ना लिया जाएगा जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेगा। जब ये कंपलसरी हो गया, अभियान चलाया, दबाव डाला, शुगर फैक्ट्री की तरफ थोड़ा आर्थिक मदद की, गुजरात सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की, परिणाम ये आया कि फसल ज्यादा हुई, शुगर कंटेंट भी बढ़ा। इतना ही नहीं, जो लोग गन्ने को जानते हैं उनको मालूम है गन्ने की जो दो गांठ होती है अगर वो पास पास होती है तो उसका शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उनका शुगर कंटेंट बढ़ता है। उनको ये सिर्फ पानी की पद्धति बदलने से उनका शुगर कंटेंट बढ़ गया और कभी कभी तो वो प्राइस लेने लग गए। अब देश में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है कि फ्लड वाटर की ज़रूरत नहीं है, हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से भी गन्ना की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये संकल्प हमने खेत में हर किसान तक पहुंचाना पड़ेगा और कभी कभी किसान को उसकी भाषा में भी समझाना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि परिवार में मानो एक बहुत ही दुबला पतला बच्चा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा, हेल्दी नहीं हो रहा है, वजन भी कम है और बड़ा कभी हंसता भी नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, बड़ी मुश्किल से इधर से उधर देखता है, ऐसा दुबला पतला है। और माँ बाप को लगे कि नहीं इसकी तबीयत ठीक करनी है तो बाल्टी भर दूध ले आए, उसमें बादाम डाले, केसर डाले, बढ़िया बढ़िया चीज़ें डाले और दिन में 3 बार उस पानी से उसको नहला दे, फर्क आएगा क्या, मजबूती आएगी क्या? अगर उसके बजाय सिर्फ 200 ग्राम दूध लेकर के चम्मच से पिला दें तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? किसान को उसकी भाषा में समझाना होगा, उसको तुरंत समझ आएगा हाँ यार ये गले उतरता है, 2 चम्मच दूध पिलाते पिलाते ठीक कर सकते हैं, ये बाल्टी भर पानी दूध से नहलाने से नहीं होता है, फ्लड इरिगेशन से नहीं होता है, बूंद बूंद पानी से परिवर्तन आता है, ये बात उसको समझानी होगी।